नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। जो हम लोगों का स्तर है वो अब धीमे धीमे बढ़ रहा है। आप लोगों का जो रुकाव है वो भी बढ़ रहा है, आप लोग का जो अटेंशन है वो भी बढ़ रहा है। और वो समझ में आया है सिर्फ एक न्यूज़ से, और वो न्यूज़ है क्या कि आपका यूपी टेट अब अक्टूबर में होने की संभावना पूरी है, और उसको कराने के लिए शासन अपना मसौदा तैयार कर रहा है। एक न्यूज़ और आप लोगों का मूड स्विंग हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं एक और सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्या ऑपरेशन, मतलब इस सब्जेक्ट में कौन से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले पता ही होने चाहिए। एक कल वीडियो बनी है जिसमें मैंने साइंस के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, और चाहे वो आपके बायोलॉजी से हो, उन सभी को मैंने डिस्कस किया था। और आज बारी है हिस्ट्री की, क्योंकि आप लोगों के अंदर जीएस को लेके, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनको लेके बहुत कन्फ्यूजन रहता है। और ये सभी में रहता है, ये आप लोगों के साथ नहीं है, ये सभी के साथ रहता है। तो ध्यान रखिएगा, साइंस की एक बात बस बताना चाहता हूँ कि उसमें मैंने जितने टॉपिक कवर कर दिए हैं वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी अगर आप चाहें तो कुछ टॉपिक्स को छांट सकते हैं जो आप ना पढ़ना चाहें, लेकिन जब वीडियो बननी होती है तो फिर सभी टॉपिक को इंक्लूड करना होता है। तो वो मतलब बोलते हैं ना, हद है, वो अति है, उससे ऊपर साइंस कभी नहीं आती। और ध्यान रखिएगा, जो लेवल है वो हमेशा साइंस का जनरल साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कभी नहीं आती पेपर में। जनरल साइंस ही हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, और सुपर टेट, यूपी टेट में भी ऐसा ही होता है और होगा भी। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अब बात बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। भैया, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबकी नानी याद दिलाता है। याद करने में सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, डेट्स होते हैं, राजा होते हैं, उनके युद्ध होते हैं, बड़ा बवाल है। तो आप लोगों को एक बात और समझनी है, सब राजा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सब लड़ाइयाँ भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। कुछ लड़ाइयाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कुछ लड़ाइयाँ थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ डेट्स किसी काम की नहीं है। तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। मैं यहाँ पर भी हिस्ट्री में भी सिर्फ वो ही टॉपिक्स को लेकर आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, आप लोगों को पता है, हिस्ट्री तो ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे कभी। बट हम केवल बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मस्ट टू स्टडी हैं, इतना तो आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नए सब जो लोग हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक शेयर ठोक के जाइएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। पहले लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री की भी बात कर देता हूँ। वैसे मैंने एंशियंट हिस्ट्री जो है हमेशा मना करी है कि एंशियंट कभी भी सुपर टेट में नहीं आती, लेकिन एंशियंट के कुछ एक दो पार्ट ऐसे हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके वो मेडिवल में जाके लिंक हो रहे होते हैं। तो फिर अगर आप मान लो उसको चैलेंज भी करना चाहें तो गवर्नमेंट कह देगी कि नहीं भाई, ये तो मेडिवल का भी पार्ट है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको कुछ टॉपिक एंशियंट के हैं वो जो दिए हुए हैं, वो कौन से हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो हो चाहे हड़प्पा हो, कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, किसने खोजी, कब खोजी, कहाँ पाई गई, बस दैट्स इट, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे ये आता नहीं है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी घूम के आ जाते हैं, पता होने चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन में इस टॉपिक के लिए मुझे यहाँ पे एंशियंट रखना पड़ा, वरना मैं एंशियंट नहीं रखता। और वो है ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। देखिए, जो जैन धर्म है और जो बुद्ध धर्म है, इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये मेडिवल में जाके बहुत भयंकर मिल जाता है। बहुत से राजा ऐसे थे जिन्होंने जैन धर्म और बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो जाके कहीं अगर आपको मेडिवल में मिल गए तो फिर ये टॉपिक आपका सिर्फ मेडिवल नहीं है, एंशियंट से लेकर मेडिवल तक पूरा कवर हो जाता है। इसलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड जो बुद्धिज्म है, मतलब जो जैन धर्म है और बुद्ध धर्म, उसका जो पूरा आपको जितना जानकारी आप ले सकते हैं उसको लेके जाइएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ सकता है। और बहुत बड़े अशोक जो हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। मौर्य एम्पायर और थोड़ा बहुत गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी को आप हटा भी देंगे तो चल जाएगा, बट मौर्य एम्पायर को देख के जाइएगा।
क्योंकि मौर्य एम्पायर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कब से शुरू हुए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं मौर्य एम्पायर को मैंने एंशियंट में भी रखा है, क्योंकि हर चीज़ जो स्टार्टिंग हुई वो वहीं से देखी जाती है। तो ये टॉपिक थे एंशियंट के, जिसमें मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ग्रोथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है और मौर्य है। बाकी आप दोनों को ऊपर नीचे कर भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन क्यों करना फालतू में। गुप्ता डायनेस्टी रख दिया है, बाकी गुप्ता डायनेस्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मेडिवल, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। मेडिवल की तो बातें समझ लो आप। सबसे पहले तो देखो, मेडिवल को इस तरीके से तोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ साफ बता देता हूँ, जो मेडिवल हिस्ट्री है हमारी उसमें दो तीन हिस्से हैं। हिस्से मतलब कैसे हैं भाई, नॉर्थ इंडिया अलग चल रहा है, मिड इंडिया अलग चल रहा है, और जो आपका साउथ इंडिया है वहाँ पे एक अलग ही बवाल चल रहा है। अभी तक सुपर टेट का जो माहौल देखा गया है, या फिर इवन मैं बोलूँगा आपको जो यूपी के कैटर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसको अगर आप रीड आउट करेंगे तो आप साउथ में जो भी हिस्ट्री मेडिवल की चल रही है उसको वो लोग इज्जत नहीं देते हैं। जैसे महाजनपदास थे, या फिर जो आपके साउथ में जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो राजा बने या जो उन्होंने हिंद जो युद्ध लड़े उसको बहुत ही कम, मतलब 100 में से 1 ऐसे क्वेश्चंस कभी आते हैं, वरना जल्दी नहीं आते। तो अगर आप फुल ऑन स्टडी करना चाहते हैं तो भाई मेडिवल पूरी पढ़िए, लेकिन अगर आपको है कि नहीं मुझे केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं तो मैं जो साउथ की हिस्ट्री है मेडिवल वाली उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, ऊपर आ जाओ, मध्य भारत को ले लो और अपने नॉर्दर्न इंडिया को ले लो, ऊपर चले जाओ बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरा का जो पूरा बवाल है वो ज़्यादातर मुगल्स के द्वारा ही किया गया है। तो मैं मुगल को अलग अलग पार्ट में ना तोड़कर उसको मैंने मेनली मुगल डायनेस्टी लिख दिया है, लेकिन जो ये मुगल डायनेस्टी और जो दिल्ली सल्तनत है ये बस इतना सा नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। कैसे बड़ा टॉपिक है जरा समझ लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जितने भी राजा थे वो और उनके सक्सेसर, उनके बेटे, उनके बाद कौन राजा बना, एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि वो जो सक्सेसर बना वो कैसे बना, मतलब उसने अपने बड़े भाई को, अपने बाप को, किसी को मार के मरा, कोई युद्ध लड़ के लड़ा, ज़्यादातर वैसे मार के मरे, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई उसको किसने मारा, उसको किसने मारा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस राजा ने कौन कौन से युद्ध जीते हैं, सभी राजा के बारे में आपको देखना पड़ेगा पूरा, जितने भी हैं, और जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें ज़्यादातर आप देखोगे तो मुगल्स ही हैं। हाँ, मुगल्स का मराठास के साथ हो गया, तो मराठा अलग से नहीं लिख रहा हूँ भाई, मुगल्स का जब मराठा के साथ युद्ध हो गया तो मुगल्स भी इंक्लूड होगा, मराठास भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग नहीं तोड़ा है, हर जगह कहीं ना कहीं मुगल आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ मेन मुगल डायनेस्टी को यहाँ फोकस किया है। आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए पेपर का लेवल कैसे बढ़ाते हैं, केवल मेडिवल की बात बताता हूँ मैं आपको। पहला आसान पेपर कि जो ये राजा था इसके बाद राजा कौन बना, बहुत आसान है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये राजा बना इसने क्या क्या सुधार किए, इसने क्या क्या बदलाव किए, एक लेवल और बढ़ा दिया। फिर उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, किस सन में लड़े, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया। और लेवल अब जब हाई करना होता है तो फिर वो क्या पूछते हैं, वो सीधे ये पूछ लेते हैं कि जो ये राजा थे इनके दरबार में कौन कौन मंत्री थे, कौन कौन कवि थे, कौन कौन नाटक थे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो पेपर का लेवल है वो ऐसे बढ़ा लेते हैं उसी टॉपिक में से, लेकिन इतना डीप जाने की ज़रूरत हमको है नहीं, हमको हर चीज़ का ऊपर ऊपर ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे दरबारी हैं आपके, उनके जो सहायक हैं या कवि हैं या फिर उनके मंत्री हैं, उसमें जो बहुत ही फेमस कोई रहा है सिर्फ उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, वरना आपको पढ़ के नहीं जाना। लेकिन दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरा मेडिवल है वो इन लोगों ने ही कवर किया हुआ है, हमारा इंडियन मेडिवल। इंडियन बात चल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन हिस्ट्री चल रही है यहाँ पे केवल। तो यहाँ पर जो मेन है वो मुगल्स थे, कब आए, किस किस से युद्ध लड़ा, कौन कौन से जीते, कौन कौन से हारे, उनके सक्सेसर्स, उनके बेटे कितने, कहाँ क्या हुए, कुछ की वाइफ्स इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, कौन कौन से विदेशी यात्री उनके दौरान आए ये याद रखना है, उन्होंने किस धर्म को बढ़ाने के लिए कौन से कार्य किए, कहाँ पर उन्हें टैक्स लगाया, कहाँ टैक्स नहीं लगाया, इस तरीके का बहुत बड़ा टॉपिक बनता है ये आपका जाकर मेडिवल हिस्ट्री का मुगल्स। तो केवल इतना छोड़ के मत आइएगा, हर चीज़ को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो किंगडम ऑफ डेक्कन है वो लिखना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि भाई वो टॉपिक तो है ही बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो
तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, बट मुगल्स इम्पॉर्टेंट है। मुगल्स में भी एक बात ध्यान रखना, सारे मुगल्स एम्परर इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ ऐसे थे जो आके चले भी गए जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने किस कल्चर को बढ़ाया, और ये भी कि उन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स या कौन कौन से किले बनवाए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो मेडिवल है वो बहुत बड़ा है, हर एक चीज़ है, हर राजा की हर चीज़ पता होनी चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सब राजा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ राजा इंपॉर्टेंट है तो उनको ही आपको याद रखना है। आई होप बात क्लियर हो गई यहाँ पे मुगल्स की। मॉडर्न की बात कर ले तो सुपर टेट में मैक्सिमम जो पार्ट आता है वो मॉडर्न का आता है और मेडिवल का आता है, एंशियंट नहीं आती, फिर भी एंशियंट के टॉपिक मैंने डाले थे। मॉडर्न के टॉपिक्स देख लेते तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश रूल था, उसकी शुरुआत कब हुई, कौन कौन से उन्होंने वॉइसरॉयज बनाए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या क्या हुए, और सबसे बड़ी जो 1857 का रिवॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के दौरान कौन कौन से वॉइसरॉय बने, कौन सा जब मूवमेंट चला था तब कौन सा आपका गवर्नर जनरल था, या जो भी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके देख लेते हैं तो नेशनलिज्म जो हमारा, उसका शुरुआत कहाँ हुई, कौन जन्मदाता हो गए, कौन से जो प्लान बन रहे थे उसका कौन अगुवाई कर रहा था। आपने देखा होगा कि नानाजी देशमुख कहाँ पर थे, कानपुर में कोई दूसरे थे, तो वो भी पता होना चाहिए। इंडियन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सारे अधिवेशन कब, कौन, सारे अधिवेशन तो नहीं बोलूँगा, कुछ ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो, और उनके अध्यक्षता किसने करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, वो सब पूरा उसी में आता है। अर्ली फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मिडल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, क्लोजर टू फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब चीज़ें जितनी थी ये पता होनी चाहिए कि लास्ट वॉइस रॉय, फर्स्ट वॉइस रॉय, इसके बीच में हाई कोर्ट कब हुई, सुप्रीम कोर्ट कब हुई, सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। कौन सी योजना कब क्या लेके आए, एवरीथिंग सब आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आपका इंडियन फ्रीडम का जो विन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक थे, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे हिस्ट्री के, ये लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई आपको सोना पढ़ना है, आपको चांदी की तरफ ध्यान नहीं देनी है, सिर्फ सोने की चीज़ों को आप पढ़िए। और ये वैसे उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनके पास या तो टाइम कम हो या तो फिर वो मक्कार हो, जिनको केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक चाहिए वो उनके लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आपको अच्छे से डीप स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पेपर क्या आएगा इसको हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, कोई गारंटी से तो कह सकता नहीं कि पेपर ये ही आने वाला है। हाँ, स्पेकुलेशन होता है लास्ट ईयर के पेपर्स पे, बट बदलाव भी एक चीज़ होती है, बदल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, ये जो टॉपिक हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मस्ट टू डू वाले आपके टॉपिक्स हैं, इनको तो करना ही है, लेकिन इतना करके रुक मत जाना। अगर और कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता है या आपको लगता है तो पढ़ते रहो, ख़त्म नहीं हो जाती पढ़ाई। अब ये फिर मान लीजिए इसके बाहर से आ गया तो आप कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था, तो ऐसा नहीं होता भाई, एग्ज़ाम पैटर्न है, बच्चे ज़्यादा हो गए तो उनको टफ बनाना पड़ेगा, तो टफ बनाने के लिए फिर क्या करते हैं कि बाउंड्री से बाहर निकलते हैं, और जब बाउंड्री से बाहर निकलेंगे तो फिर पेपर आउट ऑफ रीच हो जाता है। तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ नहीं पढ़ना है, और टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं या जो कुछ क्वेश्चंस, टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है बट वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, भले वो किसी भी टॉपिक से आता हो, उनको लगाइए। लास्ट में जो हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे पूरी, जिसमें केवल क्वेश्चन होंगे, रैंडम क्वेश्चन होंगे, वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इन टॉपिक्स को कर लिया तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, काम हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाहर वैसे नहीं आता, बट गारंटी कोई ले सकता नहीं कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दूँ, बट दिस इज़ द फाइनल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री इन एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इसके अलावा फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, कॉपी पे नोट्स बनाइए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा और आपकी नौकरी भी पक्का हो जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखा बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जो नए लोग आते हैं वो जुड़ते चले जाया करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप जुड़ेंगे मुझे उतना ही मज़े आते हैं। वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।